दादू की अदालत में उमर रुबाब चैंडियो केस की समाअत हुई, जिसमें दादू की अदालत ने नवाब सरदार खान चैंडियो और बुरहान खान चैंडियो को कत्ल केस में मुलजिम करार दे दिया। सरदार खान चैंडियो और बुरहान खान चैंडियो का कहना है कि अदालतों का एहतराम करते हैं और आज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जबकि उमर रुबाब चैंडियो का कहना था कि आज हक और सच की जीत हुई है, अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। जो जो लोग मेरे साथ जंग में खड़े हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूं और ये पाकिस्तान की अदालतों की भी जीत है कि एक मजलूम बेटी को इंसाफ की उम्मीद एक जागी है और मुझे एक इंसाफ होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो फैसला जागीरदारों के खिलाफ आया उसमें ये बताया गया है कि ये दोनों MPA जो सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो हैं वो मुलविस हैं इस केस में। तो इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं, आगे भी हमें यकीन है पाकिस्तान के अदला पे कि मुझे इंसाफ जरूर मिले। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे, जबकि अदालत के मरकजी गेट को बंद कर दिया गया था। केस से जुड़े मुतल्लिका अफराद के अलावा आम आदमी के दाखिला पर पाबंदी आयद थी। कुछ साल कबल 17 जनवरी को दादू की तहसील मेहड़ में उमर रुबाब चांडियो के बाप दादा और चचा को दिन दहाड़े गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। फैयाज जाफरी, 88 न्यूज, दादू। अस्सलाम वालेकुम।